उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार सड़कों का निर्माण कर गांव तक सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। लेकिन मसूरी कैंपटी थत्यूर मोटरमार्ग लगातार विवादों में नजर आ रहा है। पूर्व में मसूरी कैंपटी थत्यूर मोटरमार्ग को लेकर जिंसी पेयजल स्रोत पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे जिंसी का प्राकृतिक स्रोत सूखने की कगार पर है। विशेषज्ञों की माने तो मसूरी कैंपटी थत्यूर मोटरमार्ग निर्माण को जिंसी के पास काटे जा रहे पहाड़ और उससे निकलने वाले पत्थर और मलबे को जंगल किनारे डंप करने के कारण पेयजल के प्राकृतिक स्रोत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे मसूरी में आने वाले समय में पेयजल का संकट मंडरा सकता है। वहीं दूसरी ओर मसूरी कैंपटी थत्यूर मोटरमार्ग के निर्माण को लेकर कोल्टी गाँव में काटे जा रहे पहाड़ों से पहाड़ी क्षेत्र पर बने घर खतरे की जद में आ गए हैं। कहते हैं सर, अभी जो हमारा कोल्टी गांव है उधर से जो कैंपटी थत्यूर मोटर मार्ग जा रहा है उसमें अभी हमारा पूरा गांव जो है भूस्खलन की जद में आ रखा है। तो हमने संबंधित विभाग को हमने पूरे 2-3 बार लिखित में भी पत्र दे चुके हैं और बर्बली भी हम उनको बोल चुके हैं, पर लेकिन वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही और हमारे कई मकानों को अभी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इसलिए मैं संबंधित विभाग से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो कुछ कार्रवाई करें और हमारे जो मकान और जो भूस्खलन हो रहा है उनका मुआवजा या उनका सुरक्षा दीवार दी जाए जल्दी से जल्दी। जिस तरीके तो आप सर देख ही रहे हैं कि अभी हमारे 70-72 साल बाद हमारे गांव में रोड जा रही है और अब जब रोड आ रही है तो उससे हमारा गाँव को ही नुकसान हो रहा है। तो मैं विभाग से कहना चाहूँगा कि रोड जब दे रहे हैं तो वो गांव वालों की सुरक्षा के लिए और गांव वालों की सुविधा के लिए दें, जिससे कि गांव को उसकी उस सुविधा का लाभ उठा पाए। रोड करीब मार्च अप्रैल में हमारे गांव तक पहुंच गई थी और उस समय हमने विभाग वालों को बोला था कि आप मतलब रोड काटेंगे, इतनी जगह नहीं है यहाँ। तो विभाग वालों ने बोला था कि हम सातों सात पुस्ता लगाएंगे और रोड के जो नीचे वाला पार्ट है वो खाली है, खोखला है, तो उसके पर लिए भी हमने बोला था कि रोड को जो है ज़्यादा डाउन न किया जाए। तो विभाग ने अपने हिसाब से ले जाया, रोड को डाउन बहुत किया है, इससे जो रोड का नीचे वाला पार्ट है उसके लिए खतरा है और अगर नीचे वाला पार्ट जाता है तो तब तो कह नहीं सकते कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा। अभी तो जो ऊपर दिखाई दे रहा है मकान के नीचे से जा रहा है, तो अभी तो मकान के नीचे से जा रहा है, लेकिन अगर नीचे से जाएगा तो तब तो वो बहुत ज़्यादा ले जाएगा, मकान भी ले जाएगा। सबसे हमारा कम से कम 100 मीटर का 200 मीटर का जो हिस्सा है उसमें ऊपर से तो लगातार गिर ही रहा है और नीचे से भी कहीं कहीं गिर रहा है। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।